एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ मैं बना रही हूँ रोटियाँ, क्योंकि टाइम हो रहा है 4 बजे। बच्चे स्कूल से आ चुके हैं, रेडी वगैरह भी हो चुके हैं, अपना काम में भी लग गए हैं। तो बेटे ने तो खा लिया है खाना, बेटी ने नहीं खाया था, तो उसके लिए रोटियां बना रही हूँ। और आज जो सब्जी बनाई थी मैंने बनाई थी मैंने नहीं बनाई थी, इन्होंने बनाई थी। वो सब्जी बनाई थी बैंगन का भरता, मटर वाला, ठीक है। तो आज उन्होंने बनाई थी और मैं ना बच्चों को छोड़ने चली गई थी, इसलिए मैं रेसिपी बिल्कुल भी ले नहीं सकी उनसे। मतलब उनका था कि भरता मैं बनाऊंगा, ऐसा था। 2 दिन से ऐसे ही हो रहा था, पर मैं जल्दी की वजह से मैं बना ही नहीं पा रही थी बिल्कुल भी। तो इसलिए फिर आज मैं थोड़ा सा टाइम पे जगी ना। हाँ बेटा बोलो। तनु नहीं बेटा, ऐलान कर लो, टाइम कम है, फिर ट्यूशन में जाओगे तो पिटाई खाओगे, फिर देख लेना। मैम ने बोला था ना कि मैं सुनूंगी आज, तो मैंने बैंगन भून के मैं बच्चों को छोड़ने चली गई थी स्कूल। और स्कूल से आई तो इन्होंने बैंगन छोक चुके थे, क्योंकि ये इन्होंने बोल दिया था कि बैंगन का भरता मैं ही बनाऊंगा। मैंने कहा ठीक है, ओके, अच्छा है ना, अपना एक काम कम हो जाता है, नहीं तो मुझे आफत रहती है, बच्चों को छोड़ के आऊंगी फिर सब्जी बनाऊंगी तो डबल। मैं जब तक आई थी इन्होंने बैंगन का भरता छोक चुके थे, मतलब बना नहीं था, पर जो छोकने का प्रोसेस होता है ना वो कम्प्लीट हो चुका था और इन्होंने ही बनाया था। और मैं सोच रही थी यार फोन लगा के चली जाती तो बढ़िया रहता, पर नहीं हुआ। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम करेंगे तो पक्का मैं उसको शूट कर लूंगी। तो पहले मैं थाली लगा देती हूँ। तो ये है बैंगन का भरता। तो रोटी भी जल रही है यहाँ, 1 मिनट। और अच्छा बना, टेस्टी बना है, बहुत बढ़िया। मैं बोल रही हूँ ना, क्योंकि मेरे से ज्यादा अच्छा से खाना है ना ये बना लेते हैं। काफी इनका कोई मेथड नहीं है बनाने का, जैसे मतलब होता है ना किसी का, मतलब इस तरीके से बनाओ, ये बस बनाते हैं तो बस अच्छा बनाते हैं, बढ़िया बनाते हैं। तो इसीलिए जब कोई चीज बनाते हैं तो बेफिक्र होके हम खा लेते हैं, हमें पता है कि अच्छा बनेगा। मैं एक लो खाना लेके जाओ। तो मैं खाना लेकर आती, मैं पहले दूध ला दूंगी बेटा। यार मुझे चाय पीने का मन हो रहा है, पहले दूध तो लाओ, फटाफट से लिया 3 पैकेट लेकर आना। हाँ फिर तुम भी लेते हो, पापा भी लेते हैं दूध, आजकल नहीं हो पा रहा है। मम्मी से नहीं, नहीं बिल्कुल भी नहीं, पैसे वैसे मत मांगा करो मुझसे, जाओ जल्दी दूध ले आओ। बेटा नहीं बोला ना, जाओ जल्दी लेकर आना। और आंटी को बोल देना खाना नहीं खाया, तो सो मैंने अपने लिए भी बना रही हूँ रोटियां। सुबह मैंने बनाए थे पराठे प्लेन वाले, और अब मैं बना रही रोटी, पत्ते के साथ खाएंगे, साथ में बनाएंगे चाय। तो चलो पहले मैं खाना पीना बना लेती हूँ, फिर मैं आपसे बात करूंगी। बातें तो पता है क्या बहुत होती है, आप लोगों से बात करने का, हर चीज शेयर करने का मन होता है, सब कुछ के मतलब सब कुछ बताए, पर कुछ चीजें हम अपने आप ही अपने आप को रोक लेते हैं कि नहीं ये रहने देते हैं। पर बहुत चीजें होती है शेयर करने के लिए, क्या करे क्या ना करे, पता है कुछ हम अपने आप को रोक लेते हैं, कुछ हमें फोन हमें रोक देता है, क्योंकि उसकी मेमोरी फुल हो जाती है, तो वो कहता है बस करो यार, कितना बोलोगे कितना बोलोगे इसको, तो इस वजह से भी ना मुझे चुप होना पड़ता है, मतलब मुझे ना आधी आधी बातें काटनी पड़ती है। रही सही कसर, हमारा नेट पैक खत्म कर देता है, क्योंकि वो ज्यादा लंबी वीडियो हो जाती है ना, वो वीडियो अपलोड नहीं करता फिर इसीलिए, क्योंकि जो डेली का पैक मिलता है ना मैं उसी से अपलोड करती हूँ। मेरे घर में कोई वाईफाई वगैरह नहीं है, और हस्बैंड जी हमारे पबजी के बहुत शौकीन हैं, तो अपना नेट पबजी में लगा डालते हैं, पर कई बार उनका मैं ले लेती हूँ, पर मोस्टली उनका लग जाता है पबजी के अलावा उनको, इसीलिए। और मेरे साथ बहुत अच्छे अच्छे लोग जुड़ रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा खुशी होती है, पर पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है यार, आप लोग सब जुड़ रहे हो मेरे से, तो
मैं शायद आपको अच्छी लगती हूँ या फिर मैं आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं देखने, तो आप मेरे को सब्सक्राइब करते हैं, मेरी फैमिली मेंबर के अंदर इंक्लूड होते हैं, मतलब है ना फैमिली मेंबर मेरे बढ़ जाते हैं और फैमिली बड़ी पे बड़ी होती जाएगी जा रही है। पर यार व्यू तो आते ही नहीं, मतलब वीडियोस पे व्यू नहीं आते। आप वीडियो क्यों नहीं देखते? आप लोग मेरे को सब्सक्राइब करते हैं, आप इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, पर जब सब्सक्राइब करके खो क्यों जाते हैं आप सब? वीडियो भी देखो ना। और पता है मेरे पास है ना, कल एक कमेंट आया कल वाली वीडियो पे कि आपकी ये वाली वीडियो सबसे अच्छी थी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि शायद मैं जो दिन पे दिन कोशिश कर रही हूँ कुछ अलग करने की, कुछ अलग करने की नहीं, मेरे को और बेहतर करना है, और बेहतर करना है, तो शायद वो रंग ला रहा है, किसी को तो महसूस हो रहा है कि हाँ शायद मैं कुछ नया कर रही, नया तो नहीं कर रही बट हाँ व्लॉग को और मैं बेहतर बनाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, पूरी नेचुरल तरीके से कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ मेरी रोटियां बन चुकी है, बस एक रोटी रह गई है, दो बेटी ले लेगी और दो मैंने लेनी है, और एक अगर बेटा लेगा तो ले लेगा, नहीं तो वैसे उसने खा चुका है। टीवी की आवाज कम करिए बेटा। तो अभी जो टाइम हो रहा है ना, 8 बजने को जा रहे हैं और मेरा खाना ऑलमोस्ट बन चुका है, चावल मेरे बनने वाले हैं, चावल चढ़ाए हैं और इसमें मैंने दाल उबाल दी है पीले वाली अरहर की, ठीक है, और बस इसमें तड़का लगाना है और दूध मैंने बॉईल कर ही दिया था, थोड़ा सा आटा लगाऊंगी। और है ना एक कमेंट आया था इस बैग के लिए मेरे पास कि ये बैग आपने कहाँ से लिया है, तो मैं ये बता दूं ये बैग मैंने अपने आप बनाया है, ये वाला ये ट्यूलिप की तरह है, और ये बैग जब से प्लास्टिक की पॉली बैग्स बंद हुई है ना दुकानों पे, तो उसी के आसपास बनाया था, पर मुझे ये नहीं पता था कि मेरा ये यूज होगा, जस्ट ये वीडियो के लिए बनाया था मेरे स्टिचिंग चैनल के लिए, तो और अब ये मेरा इतना यूज होता है कि इसी में मैं दूध लेकर आती हूँ, कुछ भी छोटा मोटा सामान लेकर आती हूँ ये लेके आती हूँ, और बहुत लोग पूछते भी है, और हमारे नीचे वाली जो आंटी है ऑनर है उन्होंने तो बनाया भी है, मेरा देख के ही बनाया है और उन्होंने अपने आप बनाया है, बस उन्होंने जो थोड़ा बहुत मेरी वीडियो से देखा और कुछ पूछा तो मैंने बताया, फिर उन्होंने बनाया और काफी अच्छा लगा, सभी को अच्छा लगा, और इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है ना वो भी बहुत अच्छा लगा। ये मेरा सूट था ऐसा और मैंने उसको रीयूज करके बनाया था, मतलब सूट था मतलब फट गया था वो, तो उसका जो नीचे नीचे का पोर्शन होता है ना उससे बनाया था, और अंदर ये व्हाइट कलर का अस्तर था, ये मैंने किसी का सूट बनाया था तो उसमें से ना इतने बड़े बड़े पीसेस बच गए थे, तो मैंने वो जॉइंट लगा के पहले बड़ा बनाया और फिर इसके लिए बनाया था। और इतने छोटे छोटे कपड़े तो जो लोग स्टिचिंग करते हैं उनको होते हैं उनके पास ना, तो ये इस तरीके से बनाया था। और फॉर्म पता है कौन सी लगाई थी, ऑनलाइन है ना जूते आए थे, नीचे ही अंकल के आए थे, जूते आए होंगे पता नहीं क्या था, रैप करके आई हुई थी फॉर्म, वो वाली फॉर्म यूज की थी, मतलब ये लगा लो कि जीरो बजट पे ये बन गया और बहुत ही यूज हो रहा है। तो अगर आपको ना इस बैग की वीडियो देखनी हो तो मेरे स्टिचिंग वाले चैनल पे जा सकते हैं, उस पर मिल जाएगी, और हो सका तो मैं इसका लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप देख लीजिएगा अगर आपको बनाना हो, मैं इसे यहाँ टांग देती हूँ, ठीक है, तो आपको बनाना हो तो बना लीजिएगा, मेरा तो बहुत यूज हो रहा है। मैथ का है ना, ड्यू पेज नंबर 130 इन योर बुक, इसकी बुक में से निकाल दे 130 पेज नंबर है और इसको बता फिर क्या है, पहले मुझे दिखा दियो, और है ना और कॉपीज में भी चेक कर दियो बेटा इसका, तो चलो प्याज टमाटर काट लेते हैं, छोकना है क्योंकि, तो इसीलिए मैंने ना फिर शॉल वगैरह से कवर कर रखा है, बेकार में बीमार बीमार पड़ जाओ ना, तो
वैसे कुछ काम नहीं करती मैं और बैठ जाऊंगी। के लिए मैंने अभी सब्जी कट कर ली है, तो ये सेम की फली है तो इजी रहेगा सुबह जल्दी जल्दी बनाने में ना, तो ये मैंने कट कर ली है तो अभी से रख दूंगी। अभी तो यहाँ पे बस सारा काम हो चुका है, इनका वेट कर रहे हैं, ये आ जाए तो हम सब खाना खाएं। और यहाँ मैं मशीन पे काम करने लग गई हूँ, थोड़ा सा काम रहता था मशीन पे, बच्चे अपना स्कूल का कर रहे हैं, छोटा मोटा काम जो भी है इतना इम्पोर्टेंट वाला नहीं है। यहीं पे मैं उन लोगों का भी नाम लेना चाहूँगी जो सब जो मुझे कमेंट करते हैं रोज़। मैंने आपको बोला था कि मैं अब रोज़ जो भी मुझे कमेंट करता रहेगा रेगुलरली तो मैं उनके नाम लूँगी। तो आज मैं लेती हूँ मोनिका तिवारी, नेहा सिन्हा जो मुझे रेगुलरली हर वीडियो पे कमेंट करती हैं, और पिंकी कुमारी। तो आज मैंने इन तीन अपने सब्सक्राइबर का नाम लिया है, सो नेक्स्ट और कोई भी हो सकता है। तो आप पूरी वीडियो देखते रहिए, मैं कहीं पे भी नाम ले सकती हूँ। तो काम वगैरह सब कर लिया है, किचन वगैरह भी मेरा क्लीन हो गया और बच्चों को भी मैंने सोने भेज दिया है, तो मैं बस ये उठा के रख रही हूँ। थोड़ा सा किचन मेरा ऑलमोस्ट क्लीन है सारा, तो किचन वगैरह सब क्लीन हो गया। देखो ये कैलेंडर है ना, उतार रहे थे बच्चे, छोटा कैलेंडर बना रहे हैं लोग कॉपी के पन्ने फाड़ फाड़ के, तो इसमें से नोट कर रहे हैं। हाँ हो गया है, तो मैं बस जरा बच्चों को चेक कर लेती हूँ क्योंकि है ना वो
सोते समय ना उघाड़ लेते हैं अपने आप को, अच्छे से कवर नहीं करते। लाइट ऑन करती हूँ तो यहाँ देखिए बच्चे मेरे दोनों सो रहे हैं, आज दोनों अलग अलग रजाइयों में सो रहे हैं, लड़ लिए होंगे ना इसीलिए। तो रजाई ठीक कर देती हूँ, यहाँ सो रहा है मेरा बिट्टू, येरा तो सोते हुए बड़ा ही शांत लगता है। तनिया ए तनु सिंगल तकिए पे सोइए बेटा, तो चलो ओढ़ लो। तो इनको सुला दिया है, कर्टन पर्दे वगैरह कर देती हूँ, बच्चे ना इधर उधर कर देते हैं, तो बेटी भी सो गई है। इनको जल्दी इसीलिए सुला देते यार, स्कूल फिर लेट उठते हैं, इनकी नींद पूरी नहीं होती तो इसी वजह से। तो चलो काम वगैरह सब खत्म, सारे काम हो गए हैं, अब हम देख रहे हैं बिग बॉस चालू हो चुका है तो वो देखते हैं, और आप लोगों को बाय बाय करती हूँ मैं यहीं पर ही। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय एंड अपना ख्याल रखिएगा, और प्लीज गाइस मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें और सब्सक्राइब करें, और प्लीज ना शेयर कर दो ना मेरी वीडियोस को, प्लीज 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 प्लीज, क्योंकि मेरा चैनल पता नहीं यार कुछ नहीं कहना मुझे, कुछ तो हो रहा है, आप सब देखते होंगे, आपको पता है सब। तो प्लीज मेरी वीडियोस को शेयर करिए ना, वीडियोस को देखें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें प्लीज। चलो फिर मिलती हूँ, बहुत हो गया आपको भी ऐसा लग रहा होगा यार क्या कह रही है, कोई बात नहीं, आप अच्छा लगेगा तो ऑलरेडी आप सब तो सब्सक्राइब करेंगे ही करेंगे। तो चलो फिर मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।